शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। गुना जिले के चाचौड़ा और बीनागंज नगर में अवैध रूप से चल रहे मैरिज गार्डनों पर स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते जो मैरिज गार्डन गाइडलाइन के अनुसार साधन और सुविधा का पालन नहीं करते हैं उन पर प्रशासन ने ताला जड़ने के लिए आदेश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और संबंधित मैरिज गार्डन मालिकों से जवाब मांगा है। अगले दो दिनों बाद प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। आए दिन देखने में आ रहा था कि हमारे मेन रोड पर जाम की स्थिति लगती थी, जब भी शादी विवाह होते थे यहाँ पर चाचौड़ा बीनागंज में जितने भी मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं उनके पास किसी के पास भी पार्किंग नहीं है, विधिवत लाइसेंस नहीं है, अग्निशमन की NOC नहीं है। इस संबंध में सभी गार्डन संचालकों को 10 दिन पहले नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद कुछ गार्डन संचालकों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, कुछ के द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में कल मेरे द्वारा आदेश जारी किए गए थे मैरिज गार्डन को बंद करने के। सर देखने में आता है सर मैरिज गार्डन के साथ कुछ धर्मशालाएँ या होटल्स भी ऐसे हैं सर जहाँ पे रोड जाम करके वहीं पे स्टेज बना दिया जाता है। नहीं अभी इस तरह का भी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, अगर ऐसा है तो इसकी भी हम जांच करवाएंगे। इस संबंध में हमने नगरपालिका CMO से भी जानकारी ली थी तो ये मैरिज गार्डन जो हमने कार्रवाई की है कोई भी मैरिज गार्डन नगरपालिका में भी संचालित नहीं है, इनके पास फायर NOC भी नहीं है, न ही इनके पास प्रत्यक्ष कोई पार्किंग की व्यवस्था है। आज सर प्रशासनिक अमला गया आपके आदेश पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, मेरे आदेश पर प्रशासनिक अमला गया था, लोगों को जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी को 2 दिन का समय दिया गया है कि ये अपनी NOC वगैरह पूरी पूर्तियाँ कर लें, क्योंकि कुछ लोगों ने गार्डन बुक कर रखे थे तो आम जन को कोई असुविधा ना हो इसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ समय लोगों